जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा ही नहीं किया, सिकनी और शेर पैदा किए। और सिंगनी और शेर जब दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है। तो जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। यूं ही आपका जोश निरंतर बना रहे। मंचा से बैठे मेरे वृद्ध जन, प्रबुद्ध जन और मेरे सम्मुख भी जो बैठे हुए हैं वृद्ध जन, संत जन, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये भारत की युवा शक्ति, आपको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। ये परमवीर बंधन एक ऐसा बंधन कि जिन्होंने इस राष्ट्र की आजादी को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को कुर्बान कर दिया, ऐसे वीरों को हम नमन कर रहे हैं, ऐसे वीरों को सत सत वंदन कर रहे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनको नमन और वंदन करता हूं। आज पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और मैं बच्चों से ज्यादा वार्तालाप करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब तक आप क्यों का जवाब अपने अंदर से नहीं ढूंढेंगे, आप आज तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन आज एक जीवन का फॉर्मूला भी आपको देने के लिए आया हूं। पहला चार पी है, पहला पी पर्पस। मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं? इस पढ़ाई को, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूं? अभी एक साल के अंदर लगभग 4 लाख स्टूडेंटों से मुलाकात किया है। उनसे पूछा, बेटा डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? बोला मम्मा ने बोला है। अच्छा, इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? पापा ने बोला है। तुझे क्या बनना है? अंकल अभी सोचा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों पर वो चीज थोपते हैं जो हम खुद नहीं बन पाए। हम खुद नहीं बन पाए तो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप ये बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे फिर आप कल्पना कर सकते हो। तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक शिक्षक उस बच्चे के गुणों को पहचानने में, उस बच्चे को उस गुणों से अवगत कराने में अपनी क्षमता और सक्षमता का प्रयोग करता है, वैसे ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के गुणों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और हम एज ए पेरेंट्स इतने शौक अपने बच्चों को बनाते हुए चले जा रहे हैं। शौक हमेशा जो है टूट जाता है। ये बच्चे कच्ची मिट्टी है और मिट्टी जब तक गीली रहेगी उसमें कुछ भी चीज संग्रह नहीं हो सकती है। इसलिए कबीर दास ने कहा था कि गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े घोर, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि जब तक उस मिट्टी को धूप में और आग में ना पकाया जाए, ना तपाया जाए, तब तक उसके अंदर कुछ भी संग्रह करने की क्षमता नहीं आ सकती है। तो हमें जितना सॉफ्ट उससे ज्यादा सख्त रहना पड़ेगा। दोनों ही तरह के अनुशासन को संतुलन करना पड़ेगा। माँ अगर सॉफ्ट है तो पिता को थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चे को एक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बना सकते हैं, तभी अपने बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्या बाई बना सकते हैं, तभी हम अपने बच्चों को कल्पना चावला बना सकते हैं। ये पर्पस जिस दिन मिल गया और उस दिन जीवन सार्थक होने लगेगा, क्योंकि पर्पस
हमें पैशन देता है, जुनून देता है, वो पागलपन देता है जो हमें किसी भी हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो प्रेरित करता रहता है। अगर हमें पैशन मिल गया तो परफॉर्मेंस तो अपने आप मिलती हुई चली जाएगी, और जब परफॉर्मेंस मिलती है तो पॉजिटिविटी होती है जीवन में, और जब जीवन में पॉजिटिविटी होगी तो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन होगा तो डेडिकेशन होगा, और जब डेडिकेशन होगा तो आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, और ये कमिटमेंट की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है, ये हमारी इंद्रियां ही नहीं, हम अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं, इतनी कमिटमेंट के अंदर ताकत होती है। वही ताकत लाने के लिए IMCTF और HSS ये दोनों ये संस्था इसीलिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में वो संस्कार, वो कल्चर, वो संस्कृति, वो सभ्यता इनके अंदर आए, क्योंकि यही एक मानव की सबसे बड़ी ताकत है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिला, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, इस भारत माँ के गर्भ से मिला, क्योंकि ये धरती कोई मामूली कोई टुकड़ा नहीं है, कोई भूखंड नहीं है, ये मिट्टी और कंकर नहीं है, ये सजीव है, क्योंकि ये मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है, और ऐसी धरती पर अगर हमें जन्म मिला है, शायद 100 जन्मों में कोई पुण्य किया होगा तब जाकर के ये जन्म हमें मिला है। तो हमें इस धरा की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। मैं कुछ दिन पहले विदेश में गया तो मुझे लगा कि शायद जिस तरह की भावनाएं हमारे पास हैं कि हम इस भूखंड को भूखंड नहीं बल्कि माँ कहते हैं, तो वहां पर भी कुछ न कुछ तो कहते होंगे, शायद वहां का जो हीमोग्लोबिन है शायद अलग होता होगा, ऑक्सीजन अलग होती होगी, पेड़ पौधे अलग होते होंगे। मैं जाकर के देखा तो सब कुछ तो एक था, लेकिन जो भिन्न था, जो अलग था, कि वो अपने देश को एक भूखंड मानते हैं और हम अपने देश को माँ मानते हैं। मुझे 6th क्लास के अंदर अपने जीवन का पर्पज मिल गया था। 6th क्लास के अंदर, 6th क्लास में कितनी उम्र होती होगी, 10-11 साल की अवस्था, 10-11 साल की अवस्था में जीवन का पर्पज मिला, क्योंकि पिता से सुना था, किताबों में पढ़ा था कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। वो पैटर्न टैंक जिस पर पाकिस्तान की फौज बड़ा गुमान करती थी, गर्व करती थी कि नहीं, पैटर्न टैंकों से पाकिस्तान की जो सेना हिंदुस्तान की सेना को नष्ट नाबूद करेगी, लेकिन एक अकेले हिंदुस्तान के सैनिक ने उनके 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उसकी कहानी को पढ़ा, महसूस किया, आभास किया कि वो सैनिक कैसा होता होगा, वो इंसान कैसा होता होगा। जानते हैं उसका नाम आप, वीर अब्दुल हमीद, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उसकी कहानी को पढ़ा, और बच्चों जब हमें जीवन में कोई पर्पज मिल जाता है तो उस पर्पज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जीवन में रोल मॉडल चुनते हैं, अपने जीवन का आदर्श चुनते हैं। और आज जो युवा है उसमें सबसे बड़ा एक ही चीज हुई है कि उन्होंने अपने जीवन के रोल मॉडल कुछ गलत चुन लिए। मेरे जीवन का रोल मॉडल जो आप इस पंक्ति में देख रहे हो दूसरे नंबर का, वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान के 14 टैंकों को अकेला ध्वस्त कर देता है, और पूरे भारत और भारत की सेना को गर्व तब हुआ
जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आता है और उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया था, उसका नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 21 साल की जवानी अपने राष्ट्र पर कुर्बान कर दी। इसने 21 साल की अवस्था में अपने आप को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। ये मेरा रॉयल मॉडल था, इसको जीता रहा। क्योंकि बच्चों, जब हम जो चीज इस माइंड में यहां पर छाप लेते हैं, जो चीज यहां पर अंकित होती है, ईश्वर ने ये चीज ऐसा दे दिया, यह लाखों नहीं करोड़ों प्रकार का अमृत है। और जिस तरह की छवि यहां पर जाती है, वैसा ये माइंड हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और एनर्जी को रिलीज कर देता है। वैसे ही हमारे थॉट, वैसे ही हमारा बिहेवियर, वैसे ही हमारा एटीट्यूड, वैसा ही हमारा करैक्टर बनना शुरू हो जाता है। यहां बहुत सोच समझ करके, बहुत सोच समझ करके किसी की छवि को अंकित करना, तभी हम अपनी सही दिशा पर जा सकते हैं। और वो वैसा ही बनेगा जिसकी छवि जैसी यहां पर होगी। मैंने इस नौजवान की छवि को अपने यहां पर उसको छाप लिया, उसको जीने लगा। हम सपनों को आंखों से बहुत देखते हैं, लेकिन कभी हृदय से जीना शुरू करना। जब हृदय की बात करता हूं तो वो हृदय, वो आत्मा, वो सोल, वो तो परमात्मा का अंश है। अगर हमारे सपनों में हमारा परमात्मा शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो हमारे सपनों को साकार होने से रोक सके। उस छवि को जीता रहा, सपने को जीता रहा। और सपना भी क्या देखता था कि फौजी हूं, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा हूं। ये सपने देखने लगा, जीने लगा, जीता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 11th पास किया, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। जब आग की बात करते हैं तो आग हमें एकदम से लगता है आग जला देती है, लेकिन आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती भी है। जितने भी हम आभूषण पहनते हैं, ये आभूषण आग में पिघल करके ही परिवर्तित होकर के बने हुए हैं। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी इसलिए होती है क्योंकि वो एक सिविलियंस के भाव और भावनाओं को रूपांतरित करके एक फौजी के रूप में उसको बनाती है, ताकि वो फौजी जब बने, उसके बदन पर वो वर्दी पहने, तो वो वर्दी तो कोई मामूली कपड़ा नहीं है। वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। इस तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। गति के अनुसार, इस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर के चला। इस समय ने उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और इस समय की बहुत बड़ी ताकत भी रही कि अगर आप रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके साथ में चलने वाला नहीं है, ये आपको वहीं पर खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। समय वहां पर भी व्यतीत होने लगा, समय तो अपनी हवा की धार जलधार की तरह बहता चला जा रहा था। जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो, तो उसने कारगिल, बटालिक, दराज, कुर्तुक, ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 degree टेम्परेचर जाता है, कल्पना कीजिए -60, जहां खून नहीं हड्डियां भी जम जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में
आज भी आपके गांव के शहर के प्रदेश के देश के बेटे और बेटियां उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्वों का इसलिए पालन करते हैं ताकि ये देश के युवा पढ़ लिख करके इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाए। पढ़ने की बात आई तो हमें पढ़ना, किस लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आज भी उसी अंग्रेजी और अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति पर चलते आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या 1835 में जो एजुकेशन सिस्टम वो इस देश के अंदर लेकर के आए तो वो सिस्टम क्या था? नौकर बनाने का था भाई। और आज हम नौकर ही तो बनते आ रहे हैं। अगर शिक्षा का मतलब नौकर बनना नहीं है, शिक्षा का मतलब स्वामी विवेकानंद ने दिया था जिसमें मन का विकास हो, बुद्धि सशक्त हो और आत्मी स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसको शिक्षा बोलते हैं। तो हमें अगर शिक्षा सच में, हमें अगर शिक्षा के लिए शिक्षा की परिभाषा ढूंढनी है तो ऐसे विद्वानों से ढूंढनी होगी कि हम आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा का मतलब यही है। हम वापस हमें गुरुकुल प्रथा पर आना पड़ेगा, क्योंकि आज डिग्रियां तो बहुत ले रहे हैं लेकिन उनमें मैनर्स कितने हैं? बच्चों में मैनर ही नहीं है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? डिग्रियां हैं, वो कागज के टुकड़े हैं। शिक्षा का मतलब होता नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, ये शिक्षा के गुण हैं। लेकिन आज शिक्षा का मतलब है अहंकार। हम अहंकारी बनते चले जा रहे हैं, हम नौकर बनते चले जा रहे हैं। तो हमें नौकर नहीं बनना। अगर हमें इस राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बनाना है तो हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करके हमें अपने आत्मबल पर, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें रोजगार देने होंगे, हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं। तो ऐसी शिक्षा का हमें प्रावधान करना होगा। और बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो इस तरह की शिक्षा को प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे नौकरी नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे बल्कि जॉब क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा पर हमें जोर देना होगा। तो शिक्षा का मतलब यही होता है, आत्मबल को बढ़ाना। और आत्मबल आत्मविश्वास को पैदा करता है। और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मविश्वास से भरी हुई बेटियां जिनके हाथ नहीं होते लेकिन पैरों से भी तीर कमान चलाती है और गोल्ड पे निशाना लगा देती है, ये आत्मविश्वास की ताकत होती है। आत्मविश्वास ज्ञान से ही आएगा। तो वो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अचानक ये युद्ध छिड़ा, मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर उस समय कश्मीर वैली के अंदर थी, हमें भी दराज सेक्टर भेजा गया और सबसे पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमें उस तोलोलिंग टॉप को फतेह करने का आदेश दिया गया। साथियों, हाइट ज्यादा थी, दुश्मन ऊपर बैठा था, हम नीचे थे। मई और जून का महीना था जब मध्य भारत गर्मी से तप रहा था, तब उस समय वहां रात का टेम्परेचर -20 था। यह कितना होता होगा? 20 डिग्री मुश्किल से सर्दियों में आता होगा, 15 डिग्री तो नहीं आता। और जब 15 अगर आ भी गया तो शायद आप बिस्तरों से नहीं निकलेंगे। इस साल 2023 में 31 दिसंबर का जो सबसे कम टेम्परेचर दिल्ली का 4 डिग्री था सर, पूरी संस्थानों की छुट्टी हो गई थी। वहां -20, लेकिन हिंदुस्तान के ये शेर, ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के
उन पहाड़ों के शिखरों की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, एक के बाद एक अपने लहू की आखिरी बूंद को बहा करके मां भारती की गोद में सोते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान दो ऑफिसर, दो जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। तोलोलिंग शायद आप पहाड़ी समझ नहीं पा रहे, कारगिल वार मेमोरियल देखा है ना, कारगिल वार मेमोरियल के जस्ट पीछे की जो पहाड़ी है वो तोलोलिंग टॉप है। उस पहाड़ी को प्राप्त हो जाने के बाद एक दूसरा टास्क दिया। अभी मैं कुछ दिन पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर में था तो वहां के एक प्रोफेसर ने मुझसे जब सवाल जवाब किया, बोला सर एक सिविलियन और फौजी में क्या फर्क होता है। मैं कहा सर कुछ ऐसे तो कुछ ज्यादा वैसे तो फिजिकल तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन सोच का फर्क होता है। कैसे? सिविलियंस को कोई भी एक अचीवमेंट प्राप्त कर ले, कोई उपलब्धि मिल जाए तो वो 10 दिन तक फिर कोई काम नहीं करता है, उसका सेलिब्रेशन करता है। लेकिन फौज कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो जाने के बाद कुछ क्षण के लिए उसका सेलिब्रेशन करेगा और फिर उस उपलब्धि को ऐसे फूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर कर देगा ताकि ये जवान लगातार संघर्षरत रहे, वो सफलता उसके सर न बैठे बल्कि वो सफलता हमेशा उसके बूट की ठोकरों पे रहे ताकि वो लगातार संघर्ष करता रहे। मकसद ये फर्क होता है। तो जैसे तोलोलिंग प्राप्त हुई वैसे ही टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश दे दिया गया और टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन नहीं थी। एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं, फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं। कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म उसके कार्य से होती है। मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आ गया। मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं, आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं, कोई अलग से पहचान नहीं थी। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम जिसका काम फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अमुनिशन देना, 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए बिना सोए बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये 3 जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको इस घातक प्लेटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उस टीम को उस पहाड़ी पर सबसे पहले हमला करना था, हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज और ज्यादा था, वो दूर तक ज्यादा देख सकता था। और बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता भी है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो हैं। लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो रात का सहारा लिया, रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते समय हो गया, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। इन हिंदुस्तान के सैनिकों के चेहरों से खून टपक रहा था, लेकिन खून टपकने की परवाह न करते हुए
ये सैनिक कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल हो गए। सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, अचानक से दुश्मन ने फायर खोल दिया। 21 जवानों की हमारी टीम, उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 3-4 पाकिस्तानियों के बंकर हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन बिना खौफ के, बिना डरे आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। और फौज के अंदर एक ही शब्द है, एडवांस, दूसरा कोई शब्द नहीं। इतने तो समझदार हम भी हो गए थे कि इस धरती पर जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने हमें तो सिंघने और शेर पैदा किया है। मरेंगे तो लड़ करके, मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ 5 घंटे तक पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति भी आई जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था। मेरा साथी मेरे ठीक सामने बैठा मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर जाए। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटते मेरे गोद में आकर कैसे लेट जाता। पल भर के अंदर मेरे दोनों साथी शहीद हो गए। एक और साथी आगे बढ़ा, पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम वहां पर गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके दूर जाकर के पड़ती है, चारों तरफ खून की बौछारे ही बौछारे थे। इन आंखों से पड़ा हुआ देख रहा था कि उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते हैं। साथियों, जब ये शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। एक पाकिस्तानी कमांडर टीम को लेकर के आता है, कहता है जरा
इनको चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारने लगे तो वो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, तो जब सामने वाले को मारा उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा उसकी भी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा था कि धुआं निकल रहा है, फिर उसने पैर में गोली मारी तो यहाँ से भी धुआं निकल रहा था। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव किया, हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की टाएं गालियां देने लगे। ये भी सब पड़ा हुआ देखता रहा और सब कुछ सहता रहा। बहुत देर के बाद पुनः उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनकी जिंदगी को बचा सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। बस इस सोच के साथ पड़ा रहा, वो दोबारा से गोलियां मारने लगे और हमारे हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आया तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। तो ये कमिटमेंट की ताकत है जो शुरुआत में कहा। आज पेरेंट्स भी बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आज यहां से उठने से पहले अपने जीवन का ऐसा कोई कमिटमेंट करके उठें जिससे आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो सके, उनके अंदर हम कुछ बदलाव ला सकें, उनके अंदर एक राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम की ज्योति को जागृत कर सकें। अगर ये कमिटमेंट आपने कर लिया तो इस राष्ट्र को सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगी। हमें अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करना होगा जिस तरह से सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उस सोच में पड़ा रहा, आया दोबारा से गोली मारने लगा, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी, मेरी आंखों से देख रहा था, वो दो कदम चला रुक गया। मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। इतना ही अभी मन के अंदर विचार चल रहा था तब तक वो वापस मुड़ा और मुड़ते ही उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब कुछ क्षण के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। और इस भारत ऐसे ही नहीं कहते, भारत मां, ये मां भारत के अपने बेटों की वीरता शौर्य पराक्रम बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। इन्हीं 21 परमवीर चक्रों के बीच एक मेजर शैतान सिंह भाटी का भी चित्र लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि हम चाइना से हार गए, लेकिन एक सैनिक कहता है कि हम चाइना से नहीं हारे थे बल्कि हमने चाइना को धूल चटा दी थी। ये मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 जवान लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और 120 में से 114 जवान शहीद हुए, और शहीद होने से पहले 2500 सैनिकों को, 2500 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। ये ऐसा हमारा कमांडर था, ऐसा ये योद्धा था। मैं उनमें से वो चार
1962 में इनके टीम के चार बंदे जीवित रहे थे, उनसे मैं मिला हूं। पता है कौन कौन थे? पिता और पुत्र था, मामा और भांजा था, जीजा और साला था। भी नहीं सकता है, एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। हैंड ग्रेनेड से उस पाकिस्तानी जवान के ऊपर हमला किया, उस ग्रेनेड से उसका ये सर फटा, वो हमारे ऊपर गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची, इनमें से कोई जिंदा है? कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास, मैंने दोनों हाथों से उस पाकिस्तानी जवान की राइफल को उठाया तो ये हाथ हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया, चार पांच पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, तीन चार जगह से जब फायरिंग किया तब उनको ये विश्वास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है, बल्कि उनको वहां से खदेड़ा और फिर 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते हुए अपने साथियों तक भी पहुंचा, ताकि अपने साथियों को तमाम वो इंफॉर्मेशन ऊपर की घटनाक्रम से अवगत कराया। और उसी इंफॉर्मेशन और घटना के बाद उसी दोबारा से प्लानिंग की, और उसी प्लानिंग के आधार के ऊपर पुनः उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया गया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धार्म हो गया, सीज फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कारगिल के अंदर कितने मां भारती के बेटों ने अपनी शहादत दी? जानने की कोशिश कीजिए। शायद हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो पर्दे पे नहीं हो, घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ करके आराम से काम कर पा रहे हैं, तो उन्हीं सैनिकों की बदौलत उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा नहीं। 545 मां भारती के बेटों ने कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है, और ये 2024 कारगिल के स्वर्णिम जीत का रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे हुए। और मुझे सौभाग्य मिला है कि उन 545 में से 300 प्लस उन वीरांगना और वीर माताओं से मिलने का। 26 जुलाई कारगिल का युद्ध देश के लिए बंद हो गया, लेकिन उस वीरांगना, उस बेटी के लिए, उस मां के लिए वो जीवन का युद्ध शुरू हो गया था। मैं मिला हूं वो 21-22 साल की वो लड़की जिसने अपने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया, जिसके गर्भ में 1 महीने 2 महीने का गर्भ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, 25 साल जीवन की जिंदगी के युद्ध को लड़ा है, और आज हमारे बीच साहस की, विश्वास की एक प्रतिमूर्ति के रूप में। तो ऐसे कभी जीवन में लगता है कि हम समस्याओं से घिर गए, हताश और निराश होने लगे, तो आप अपने शहर, गांव और प्रदेश के ऐसे शहीद परिवारों से जाकर के मिल लेना, आपकी समस्या बोनी लगेगी बोनी, आपकी समस्या का तुरंत निदान हो जाएगा ऐसे परिवारों से मिलकर के, तो आपकी कोई समस्या बड़ी नहीं है। उस बेटी की समस्या बड़ी है जिसने अपने पिता के चेहरे को नहीं देखा, लेकिन आज वो संघर्ष कर रही है जीवन का। इसलिए किसी ने कहा भी है, सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये तो वीर बनाते हैं देश की रेखाओं का, कि कैसे कहां भारत का नक्शा होगा, और ये अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा अगर हर एक माँ, हर एक बाप, हर एक बुजुर्ग अपने बच्चों में
वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य दे, वो संस्कार दे, वो भारत का कल्चर दे, वो सनातन का पाठ पढ़ाए और सनातन को बढ़ाए, तभी हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को शायद सफल कर पाएंगे और अपने भारत को उन्नत कर पाएंगे। आखिर में मैं पुनः कुठारी सर और तमाम माननीय जज साहब भी बैठे हुए हैं, शेखर जी भी हैं, मूर्ति जी भी हैं, तमाम का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और सिर्फ इतना कहूंगा, हमने सबने सुना है ना, सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना क्वेश्चन। और इस सांसों का इस जीवन से बहुत गहरा संबंध है, हमारे काम से भी बहुत गहरा संबंध है। 15 से 17 बार सांस लेते हैं हम एक मिनट के अंदर, तब हमारा औसतन आयु 65 से 70 वर्ष है। जो स्वामी जी बैठे हैं, संत जी बैठे हैं, ये अपनी साधना से, तपस्या से, ब्रीदिंग से ये 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। और 8 से 10 बार जब जाते हैं तो समाधि के उसमें चले जाते हैं। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा ये संस्कार जरूर दीजिए, सुबह उठें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, योग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने ईश्वर का ध्यान करें। पूरा विश्व कहता है भारत युवाओं का राष्ट्र है, सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% इस देश में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है इस 65 में से 80% को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है, नहीं पता है। ये युवा करें, सारे रील बना रहे, अब यहां से जाएंगे इंस्टाग्राम पे डालेंगे और रात को 2:30 बजे तक लाइक चेक करेंगे। अगर लाइक सही से नहीं आया तो रात को डिप्रेशन हो जाएगा, पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्या चाहते हैं? ये रील से आपकी पहचान बने? अरे ऐसे काम, ऐसे मुकाम हासिल करो कि आपको कोई सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि कोई गूगल पे सर्च करे, ऐसे मुकाम हासिल करो। तब आपके लिए कह रहा हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर, किसका? इस भारत के युवाओं का। और युवाओं के लिए दुष्यंत कुमार ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में जले या तेरे सीने में जले, लेकिन ये आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नमन आपको, वंदन।